हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड, प्रेजेंट फ्रॉम कोटा टू इंडिया टीचिंग लाइव, एंड आई एम लोकेंद्र सिंह पवार। एंड टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट न्यू लेक्चर ऑफ क्लास 10th। और चैप्टर, जैसा कि आपको पता है कि हमारा रियल नंबर चल रहा था, रियल नंबर के बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे, काफी सारी लेक्चर हम कंप्लीट कर चुके हैं। बेटा आपको पता है, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, हमारा प्रमोशन पार्ट काफी जरूरी है ताकि हर बच्चे को पता चले और वो हमसे क्या करे, ज्वाइन हो हमारे साथ, ताकि अच्छी प्रिपरेशन वो कर पाए। इसके लिए बेटा आपको पता है कि हम क्लास 6 to 8 तक के आपको ओलंपियाड एग्जाम के साथ साथ में एनटीएससी, एनएससी, जीएस और पीआरएमओ के साथ साथ में आपके स्कूल्स एग्जाम्स है उनकी भी हम आपको क्या कर रहे हैं, यहाँ पर प्रिपरेशन करा रहे हैं। ये हमारी औसम टीम है जिनसे आप ऑलरेडी मिल चुके हो और इनके साथ काफ़ी अच्छे से नोट प्रिपेयर कर रहे हो और प्रैक्टिस कर रहे हो अपनी। ओके बेटा, आप सबसे पहले हमारे साथ किस तरह से ज्वाइन कर सकते हो, आपको क्या करना होगा, गूगल प्ले स्टोर से आपको फटाफट से बिना देर किए हुए क्या करना होगा, टेलीग्राम डाउनलोड करना होगा। और जैसे ही आप टेलीग्राम डाउनलोड करते हो तो वहां पर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वहां पर हम आपके लिए काफी सारी चीजें लेकर आए हैं डीपीपीज के साथ में आपके स्टडी मटेरियल। ओके तो फटाफट से चेक कीजिए आपके डीपीपीज और स्टडी मटेरियल। जैसे ही आप टेलीग्राम पर जाओगे और ग्रुप को सब्सक्राइब करोगे चैनल को, तो आप देखोगे कि हमने पर क्लास के लिए डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हुए। क्लास 6 के लिए जो हमारा ग्रुप है वो है t.me/ttb06। क्लास 7 के लिए जो हमारा ग्रुप है t.me/ttb07। इसी तरह से क्लास 8 के लिए, क्लास 9 के लिए और हमारी जो क्लास 10 मेनली इसका जो ग्रुप है वो है t.me/ttb010। तो फटाफट से बेटा बिना देर किए क्या करना है, आपको ज्वाइन कर लेना है ग्रुप को। ओके ताकि आपकी स्टडी में कोई प्रॉब्लम ना आए। बेटा आपको लगता है कि मुझे तो और बेटर तरीके से प्रिपरेशन करना है, तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको वेबसाइट पर गो थ्रू करना होगा। और वेबसाइट हमारी आपको जैसा कि यहाँ नजर आ रही है www.talkingtextbook.in। जैसे ही आप वेबसाइट पर जाते हो तो वेबसाइट पर बेटा इस तरह से आपको डेमो पैकेज बने हुए मिलेंगे, आपको अपनी रेस्पेक्टिवली क्लास के अकॉर्डिंग अपना पैकेज सेलेक्ट करना है। और इन पैकेज में क्या क्या है उसका हमने आपको एक डेमो दिया हुआ है, चलो उसके बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। क्लास 6 के लिए आपको जो डेमो है वो है उसका कॉस्टिंग 9,000 रुपीज। उसमें आपको कॉम्प्रेंसिव स्टडी मटेरियल टीटीबी के साथ में आपको रिकॉर्डेड और लाइव क्लासेस फैकल्टीज से मिलने वाली है, होमवर्क सबमिशन, बाईवीकली क्विजेज और पीरियोडिक टेस्ट के सैंपल पेपर्स भी मिलने वाले हैं। तो बेटा देर किस बात की, फटाफट से बाय पैकेज पर क्लिक कीजिए, बाय नाउ पर। और बाय नाउ पर क्लिक करोगे आप तो फटाफट से आप सीधे पहुंचोगे प्राइस डिटेल्स पर, और प्राइस डिटेल्स पर मैं आपके लिए बहुत शानदार एक डिस्काउंट कूपन लेकर आया हूं। ओके तो बिना देर किए हुए क्या करो, फटाफट से प्राइस डिटेल्स पर आ जाओ। ओके और ये जो कूपन है ये टाइप कर दो LS Live। ये बेटा इतना अच्छा कूपन है ना कि ये सीधा आपको 2700 रुपीज का डिस्काउंट दे रहा है। ओके मतलब कि 6300 रुपीज में आपको ये सारी चीजें मिल रही है, कॉम्प्रेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड और लाइव क्लासेस, टीबी की एक्सपर्ट फैकल्टी से, होमवर्क सबमिशन, साथ में बाई वीकली क्विजेज और सैंपल पेपर पीरियोडिक टेस्ट के, इतनी सारी चीजें मिल रही है कितने में, 6300 रुपीज में। कब मिली आपको, जब आपने ये कोड अप्लाई किया। तो फटाफट से बाय पैकेज पर क्लिक करो और पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर आ जाओ। बेटा जैसे ही आप पेमेंट के ऑप्शन पर आओगे तो आपको वहां डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, आपकी जो भी फैसिलिटीज है उस अकॉर्डिंग आप पेमेंट कर सकते हो। ओके फटाफट से चलिए पेमेंट कीजिए और आ जाइए, जुड़ जाइए हमारे साथ, सब्सक्रिप्शन ले लीजिए बिना देर किए। अगर आपको इसमें किसी भी तरीके की क्वायरी की नीड हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आपके पास ये नंबर दिया है 9549041111, इस पर कॉल कीजिए और अपने सारे डाउट्स को क्लियर कीजिए। और स्टडी से रिलेटेड तो सारे डाउट्स आपके मैं क्लियर कर ही दूंगा। आपको पता है कि हम लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कार्डिनियल प्रॉमिस करते हैं, क्यों, क्योंकि क्यों करते हैं कार्डिनियल प्रॉमिस, रीजन ये है कि आपकी और हमारी बॉन्डिंग बनी रहे। ओके तो चलिए मेरे साथ प्रॉमिस कीजिए, I promise to listen to the complete lecture and make proper notes if it so that I can become a smart student। आप already क्या हो, smart हो ही सही बेटा, आपको क्या बनना है, smart student बनना है। और smart student बनने के लिए आपको smart study करनी होगी, तो बिना देर किए pen copy उठाइए और शुरू हो जाइए मेरे साथ smart study करना। आपको यहाँ पर पता है कि ये हमारा lecture है, ठीक है, क्लियर है, इसके बारे में हम क्या क्या डिस्कशन करने वाले हैं वो सारी बातें कर लेते हैं। पहले यहाँ पर आप इसके कीवर्ड्स देख लीजिए और लर्निंग आउटकम्स देख लीजिए, क्लियर है, ये सारे के बाद में हम हमारा लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में स्टडी करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने फंडामेंटल थ्योरम से रिलेटेड काफ़ी सारे बेटा क्वेश्चन सॉल्व किए थे, और उन क्वेश्चन में हमने क्या देखा था कि फंडामेंटल थ्योरम क्या होती है, उसके बेस पर क्वेश्चन, तो उसी फंडामेंटल थ्योरम का भी थोड़ा बहुत यहाँ पर हमारा यूज होने वाला है। ओके तो चलो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसमें इरेशनल नंबर की। अब आपको पता है कि इरेशनल नंबर क्या होते हैं, कि जितने भी नंबर्स होंगे हमारे, जिन्हें हम p/q की फॉर्म में
क्या कर सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, वो सारे क्या हैं, आपके रेशनल नंबर हैं, ये तो आपको क्लियर है, ठीक है। और साथ में आपको मेनली यहाँ पर क्या ध्यान रखना है कि जितने भी आपके इरेशनल नंबर्स होंगे वो कैसे होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होंगे, क्लियर है। तो इरेशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिन्हें आप पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हो, और जहाँ पर पी और क्यू क्या है, इंटीजर थे, क्यू की वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो है, और इरेशनल नंबर सारे आपके नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग रहेंगे, फर्स्ट बात। सेकंड, एवरी इरेशनल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज नॉन टर्मिनेटिंग, जितने भी हमारे इरेशनल नंबर होते हैं ना उन्हें हम एक्सप्रेस कर सकते हैं किस फॉर्म में, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग की फॉर्म में, क्लियर, ओके, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ। चलिए फटाक से इसे नोट कीजिए, फिर हम इसके एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं। बेटा यहाँ पर देखो, हमने जैसे एग्जाम्पल लिया है रूट टू, अब रूट टू की वैल्यू तो आपको पता है 1.414 होती है, रूट थ्री 1.732, ठीक है, इस तरह से ये आगे बढ़ती रहती है, क्लियर। पाई, पाई क्या हुआ आपका, यहाँ पर एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करने के लिए पाई का यूज किया जाता है, मतलब कि किसी भी सर्कल के पेरीमीटर या सर्कमफेरेंस में अगर हम डिवाइड करते हैं किसका, डायामीटर का, तो हमें क्या मिलेगा, एरिया ऑफ सर्कल, ओके। और पाई की जो अप्रोक्स वैल्यू हम मानते हैं वो क्या मानते हैं, 22/7 या 3.14, जहां पर ये तो वैल्यू मिलती है हमें नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, और ये कैसे मिलती है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ओके। यहां पर तो हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें कैसे मिलेगी वैल्यू, यहां तो हमें मिलता है, सबसे पहले तो मैं बता दूं ये अप्रोक्स वैल्यू है आपकी, ये याद रखना, यहां पर मिलेगा आपको 3.14285728 57 सो ऑन, ओके। और यहां मिलेगा 3.14159265 35 डेसिमल के बाद की जो 10 डिजिट्स रहेंगी ना उनकी, ओके। चलिए फटाक से इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। आपको मेनली इरेशनल नंबर में ये चीजें ध्यान रखनी है, ओके, क्लियर है। अगर ये आपके चीजें क्लियर है तो किसी भी तरह का आपको कोई डाउट नहीं होगा। और साथ में मैं आपको बता देता हूं कि इरेशनल नंबर मतलब किसी भी, अगर हम प्राइम नंबर्स का क्या लेते हैं, स्क्वायर रूट, जितने भी हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं ना वो सारे क्या होंगे, आपके इरेशनल नंबर्स होंगे, क्लियर। चलिए नेक्स्ट, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इरेशनलिटी प्रूव करनी है, और इरेशनलिटी प्रूव करने के लिए क्या करें, इसके लिए आपने नाइन्थ क्लास में स्टडी किया हुआ है बेटा कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, क्या स्टडी किया था, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, जो कि आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, ये देखिए, ठीक है। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या होता है, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड एक ऐसा मेथड होता है जिसमें हम क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं, क्या करते हैं बेटा, एज्यूम करते हैं, मतलब कि जो हमें दिया हुआ है ना उसको हम क्या मानते हैं कि उल्टा, जस्ट अपोजिट मानते हैं, ओके। और उसी के बेस पर हम क्या करते हैं, जो हमें नंबर दिया रहता है उसे इरेशनल प्रूव करते हैं, क्लियर, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब यहाँ पर देखिए वन बाय वन, प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी के लिए हमें क्या दिया हुआ है, टू प्रूव द इरेशनलिटी ऑफ ए गिवन नंबर, किसी भी नंबर का आपको इरेशनल नंबर प्रूव करना है तो क्या करना होगा, प्रोसेस इज डन बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, इस प्रोसेस को आपको कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से प्रूव करना होगा। और साथ में प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड इज फॉर्म ऑफ ए प्रूफ, मतलब कि मैं आपको सीधा सा बता देता हूँ, आप क्या करो, सबसे पहले जो आपको दिया है नंबर वो इरेशनल है, ठीक है, तो उसको रेशनल मान लो, मतलब कि एज्यूम कर लो, और एज्यूम करोगे तो उसके कोई ना कोई को प्राइम फैक्टर जरूर होंगे, जब को प्राइम फैक्टर होंगे तो आप फाइनली जब उसे सॉल्व करते जाओगे तो आप देखोगे कि नहीं यार इसके को प्राइम फैक्टर तो हमें कुछ और भी मिल रहे हैं यहाँ पर, तो हमने जो एज्यूम किया वो क्या है, गलत है, तो हमारा अजम्पशन गलत हो जाएगा और जो नंबर दिया हुआ रहेगा वो क्या होगा, इरेशनल होगा, जिसके हम जस्ट अभी बात करने वाले हैं, उसी के बेस पर हम कुछ एग्जाम्पल भी सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि चलो उससे पहले हम एक थ्योरम देख लेते हैं, ये थ्योरम हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ठीक है। लेट पी बी ए प्राइम नंबर, कोई एक पी है जो क्या है, प्राइम नंबर है, एंड ए बी इज पॉजिटिव इंटीजर, और ए क्या है, पॉजिटिव इंटीजर, पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, पी क्या करता है बेटा, ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, पहले मैं आपको बता देता हूं, देन पी डिवाइड्स ए, तो पी ए को भी डिवाइड करेगा, ओके, समझ में आया। यहां पर यह बोला गया है कि पी जो है वो क्या है, प्राइम फैक्टर है, और ये ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, मतलब कि हम बोल सकते हैं कि पी ए स्क्वायर का क्या है, फैक्टर है, फर्स्ट बात। सेकंड, जब पी ए स्क्वायर का फैक्टर है तो पी ए का भी फैक्टर होगा, हमें यह बताना है, ओके। तो चलो देर किस बात की है, एज्यूम कर लेते हैं, लेट पी इज ए फैक्टर ऑफ ए, पी क्या है, ए का एक फैक्टर है, ये हमने क्या किया, मान लिया, ओके। जब पी ए का फैक्टर होगा तो हमें इसके फैक्टर क्या मिलेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से, पी वन इंटू पी टू इंटू पी थ्री इंटू पी फोर से लेकर पी एन, यही सारे फैक्टर्स मिलेंगे, ओके। तो यहाँ पर बेटा आपको मिलेगा, फाइनली आप यहाँ पर क्या देखते हो कि आपको जो फैक्टर्स मिलते हैं वो ए के,
पी की फॉर्म में मिलते हैं, मतलब कि P1, P2, P3, मतलब P इन्हीं में से कोई एक होगा, ओके? जहां तक श्योर है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं ए स्क्वायर की, जैसा कि यहाँ दिया हुआ है कि ए स्क्वायर का जो फैक्टर है वो क्या है, P है, तो इसे हम क्या इस तरह से लिख सकते हैं, P1 इंटू P2 इंटू P3 इंटू P4 से लेकर PN तक, ओके? इसी तरह से वन टाइम और तो बेटा आप यहां पर क्या देख रहे हो कि सबसे पहले तो ए का फैक्टर क्या था, पी, तो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन ये हुआ। फिर ए स्क्वायर का भी फैक्टर पी है जो दिया हुआ है ऑलरेडी, तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन ये होंगे। तो इसे हम सीधा सा इस तरह भी तो लिख सकते हैं ना, P1 का स्क्वायर इंटू P2 का स्क्वायर इंटू P3 का स्क्वायर इंटू P4 का स्क्वायर से लेकर PN का स्क्वायर, ओके? क्लियर। तो अब यहां पर हम मेनली यूज करते हैं फंडामेंटल थ्योरम। क्या यूज करने वाले बेटा यहां पर हम फंडामेंटल थ्योरम यूज करने वाले, क्यों? क्योंकि फटाफट से याद करो फंडामेंटल थ्योरम क्या होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया था फंडामेंटल थ्योरम में कि अगर हम किसी भी कंपोजिट नंबर का, कोई भी हमारे पास कंपोजिट नंबर दिया है, और उस कंपोजिट नंबर का क्या करें बेटा, हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, ठीक है? तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर हमारे पास जो फैक्टर्स मिलेंगे वो फैक्टर्स कैसे होंगे, यूनिक होंगे। मतलब कि ये जो फैक्टर्स मिल रहे हैं आपको, ये फैक्टर्स कैसे हैं, यूनिक है, फर्स्ट बात। सेकंड, आप इनके फैक्टर्स में ऑर्डर में चेंज कर सकते हैं, फैक्टर्स के ऑर्डर में, मतलब कि हम इसके ऑर्डर में चेंज कर सकते हैं, पहले ऊपर नीचे लिख सकते हैं, लेकिन फैक्टर्स चेंज नहीं कर सकते। जैसा कि आपके पास 12 है, 12 के फैक्टर क्या करोगे, 3 इंटू 4, ठीक है? या फिर 2 इंटू 1, या 2 इंटू 2 इंटू 3। सबसे अच्छा प्राइम फैक्टराइजेशन करो 12 का, 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है? आपको ये जो फैक्टर्स मिले ये कैसे मिले, यूनिक फैक्टर्स मिले। आप इसके फैक्टर्स के ऑर्डर में चेंज कर सकते हो, 3 को आगे लिख सकते हो, 2 को पीछे लिख सकते हो, 3 को बीच में लिख सकते हो, लेकिन आप इसके फैक्टर्स चेंज नहीं कर सकते हो। क्या आप 12 को 8 इंटू 3 लिख सकते हो, कभी नहीं लिख सकते हो, क्यों? क्योंकि ये इसके फैक्टर्स है ही नहीं। तो फंडामेंटल थ्योरम में भी तो यही बोला गया है कि किसी भी कंपोजिट नंबर के अगर हम फैक्टर्स करते हैं तो फैक्टर्स यूनिक होंगे, और फैक्टर्स के ऑर्डर में चेंज हो सकता है लेकिन फैक्टर्स चेंज नहीं हो सकता। तो हमें यहां पर सीधा सीधा नजर आ रहा है कि फैक्टर्स जो मिल रहे हैं ये फैक्टर्स कैसे मिल रहे हैं, हमें यूनिक मिल रहे हैं, क्यों? क्योंकि देखो ए का जो फैक्टर है इसी में से कोई है, ए स्क्वायर का जो फैक्टर है इसी में से कोई है, क्लियर? तो फैक्टर्स तो हमें मिल गए, हम इन फैक्टर्स के ऑर्डर में चेंज करें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फैक्टर्स चेंज नहीं कर सकते हैं। तो सीधा सा हमें क्या मिल गया यहां पर, पी जो है ना, पी डिवाइड्स ए, पी क्या करता है, ए को भी डिवाइड करता है, क्यों? क्योंकि यहां पर देखो ए के पी जो है वो ए का फैक्टर है, क्लियर है? ए का जब वो पी फैक्टर है तो इन्हीं में से कोई फैक्टर होगा, ए स्क्वायर का जब फैक्टर है तो इन्हीं में से कोई फैक्टर होगा। तो सीधा सामने नजर आ गया ना कि पी क्या कर रहा है, ए को डिवाइड करेगा, बिल्कुल, ओके? फटाक से इसे नोट करो, फिर हम आगे चलते हैं नेक्स्ट, फटाफट बिना देर किए हुए, जल्दी से जल्दी चले। चलिए अब यहां पर मजा आने वाला है कुछ क्वेश्चंस के साथ में। प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है बेटा, रूट टू इज एन इरेशनल नंबर, जो आपके पास रूट टू है ना वो क्या है, इरेशनल नंबर है। चलो इसे भी देख लेते हैं, जब हमारे पास रूट टू इरेशनल नंबर है तो क्या करना है, प्रूव करना है। मैंने अभी क्या बताया आपको, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से सॉल्व करना है, और कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या होता है, एज्यूम करना है आपको, कर लो, लेट एज्यूम रूट टू इज ए रेशनल नंबर। जब आपके पास रूट टू रेशनल नंबर है तो इसके को प्राइम फैक्टर्स भी होंगे, तो देन देयर एग्जिस्ट को प्राइम, इसके को प्राइम फैक्टर्स जो होंगे वो कैसे होंगे, ए एंड बी, क्लियर? किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो अब हम इस रूट टू को देख लेते हैं, तो इसी तरह से हमें मिलेगा भाई, रूट टू हमने इरेशनल नंबर माना तो यही मिलेगा। क्या करें बेटा, यहां इसमें रूट है और यहां ए अपॉन बी, इस रूट को कैंसिल करना है, तो क्यों ना हम बोथ साइड स्क्वायर कर दें, बोथ साइड स्क्वायर। जब हम बोथ साइड स्क्वायर करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, रूट टू का स्क्वायर इक्वल ए अपॉन बी का स्क्वायर, ओके? तो ये हो जाएगा आपके पास 2 इक्वल ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। यहां तक किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं है, फटाक से नोट करो। यहां से अगर आप ए स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करोगे तो क्या मिलेगी आपको, 2 बी स्क्वायर मिलेगी,
इसमें कोई डाउट बेटा? यहां तक कोई डाउट है क्या किसी तरह का? फटाफट बोलो, नहीं है। चलो अब यहां देखो, ए स्क्वायर जो है ना वो टू का मल्टीपल है, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, क्योंकि बी की जगह आप कुछ भी वैल्यू पुट करो वो हमेशा टू का मल्टीपल ही मिलेगा आपको। क्लियर? तो हम क्या कह सकते हैं, ए स्क्वायर इज ए मल्टीपल ऑफ टू, ए स्क्वायर टू का मल्टीपल है। जब ए स्क्वायर टू का मल्टीपल है हमारे पास तो ए भी क्या होगा, टू का मल्टीपल होगा। तो ए इज ए मल्टीपल ऑफ टू। क्लियर? किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए फटाक से नोट कर लो इसे, फिर हम आगे चलते हैं फटाफट, बिना देर किए फटाफट चलें आगे, चलें। चलिए फटाफट नोट कीजिए। अब आपने यहां पर क्या देखा बेटा, यहां पर आपको देखने को मिला कि ए स्क्वायर का मल्टीपल भी है टू, ए का मल्टीपल भी है टू, तो क्यों ना हम इसे ए स्क्वायर इक्वल ए की जगह इस तरह से लिख लें, ए इक्वल टू सी इस तरह से लिख दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि सी क्या है यहां पर, सम इंटीजर। ठीक है, सी यहां पर हमारे पास क्या है, सम इंटीजर है, कोई इंटीजर है। जब सी हमारे पास कोई इंटीजर है तो सीधा सीधा आप क्या करोगे, इस वैल्यू को पुट कर दो यहां पर, तो ये हो जाएगा आपका टू सी का स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, तो फोर सी स्क्वायर इक्वल मिला आपको टू बी स्क्वायर। ओके क्लियर यहां तक, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए फाइनली आप क्या देखते हो, जहां पर आपको मिलता है फोर सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर के आप जब वैल्यू फाइंड करोगे तो ये होगा आपके पास फोर सी स्क्वायर अपॉन टू। क्लियर? तो बी स्क्वायर इक्वल क्या मिला आपको, यहां पर आपको मिलता है बेटा टू सी स्क्वायर। ओके, इसे हम इक्वेशन वन नेम दे देते हैं। अब देखो इन दोनों को कंपेयर करो, आप इन दोनों को फटाफट से कंपेयर करो बिना देर किए हुए। क्या देखते हो कि बी स्क्वायर का जो मल्टीपल है वो क्या है यहां पर, टू है। ठीक है, तो यहां पर भी हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर इज ए मल्टीपल ऑफ टू, तो बी भी क्या होगा, टू का मल्टीपल होगा, मल्टीपल ऑफ टू। क्लियर? ओके, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां तक? एक मिनट, थोड़ा सा बोर्ड वर्क करना बंद हो गया बेटा, तो फालतू वो नहीं रहना। ठीक है, 2 मिनट हम कर रहे हैं इसे, आ जाती है, टेक्निकल प्रॉब्लम है आ जाती है। चलो अब इसे कंटिन्यू हम कर लेते हैं। ठीक है, बोर्ड की प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं, चलो सॉल्व हो गई। ओके, चलो अब आपको क्या मिला बेटा यहां पर, कि बी बी क्या है, बी इज ए मल्टीपल ऑफ टू, बी बी क्या है, टू का मल्टीपल है। इसे आप दे दो इक्वेशन टू नेम। तो बेटा इक्वेशन वन और टू से आप क्या देख रहे हो कि इनके आपको को प्राइम फैक्टर्स तो कुछ और मिल रहे हैं, जबकि हमने इनके को प्राइम फैक्टर्स क्या माने थे, ए और बी। तो हमारा जो एजम्पशन है वो क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहां पर, अवर एजम्पशन वॉज रॉन्ग, हमारा जो एजम्पशन है वो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। जब हमारा एजम्पशन रॉन्ग है तो ये रूट टू जो है वो क्या है, इरेशनल नंबर है। ओके, इस तरह से हमें इसे सॉल्व करना है। फटाफट से इसे नोट करो, मैं आपके लिए रिपीट कर देता हूं। हमने एज्यूम किया और एज्यूम किया तो इसके को प्राइम फैक्टर्स भी मिले, को प्राइम फैक्टर्स मिले तो हमारे पास यहां रूट था, तो हमने क्या किया, बोथ साइड स्क्वायर कर दिया। बोथ साइड स्क्वायर करने पर हमने देखा कि ए स्क्वायर की वैल्यू तो हमें क्या मिल रही है, टू बी स्क्वायर, मतलब टू का मल्टीपल मिल रहा है, तो ए बी क्या होगा, टू का मल्टीपल होगा। तो इसी तरह ए की वैल्यू को हमने टू सी पुट किया। ओके, तो फाइनली यहां पर भी सेम रिजल्ट देखने को मिला कि ए, ये जो बी स्क्वायर है ना, ये भी मल्टीपल है टू का, तो बी स्क्वायर भी टू का मल्टीपल है, तो बी भी क्या होगा, टू का मल्टीपल होगा। तो इनके को प्राइम फैक्टर्स तो अदर्स भी है यहां पर, जबकि हमने तो बोला ए और बी इनके को प्राइम फैक्टर थे, तो हमारा जो एजम्पशन था वो क्या हो गया, यहां पर रॉन्ग हो गया। ओके, फटाफट से नोट करो इसे, फटाफट बिना देर किए हुए फटाफट, हो गया, चले आगे। चलिए
यहाँ मजा आने वाला है आपको, रिविजिटिंग रेशनल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस। ठीक है बेटा, आप देखो मैं आपको काफी इजीली और काफी अच्छी चीज बताने वाला हूँ। रेशनल नंबर, सबसे पहले तो रेशनल नंबर को याद करो। रेशनल नंबर के बारे में हमने क्या स्टडी किया था? रेशनल नंबर, रेशनल नंबर कैसे होते हैं? टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज टर्मिनेटिंग एंड सेकेंड इज नॉन टर्मिनेटिंग। क्लियर? फिर नॉन टर्मिनेटिंग को भी हमने टू टाइप्स में डिवाइड किया था। कौन कौन से? रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। क्लियर? ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं यहां तक? चलिए फटाक से यहां तक की सारी चीजें हो गई, अब हम बात करते हैं आगे की। अब देखो हमें क्या करना है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन करना है। डेसिमल एक्सपेंशन के लिए ये नोट कर लिया आपने, मैं आगे चल रहा हूं इसके। ठीक है, चलो डेसिमल एक्सपेंशन के लिए मेनली हम अगर किसी भी रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन करें, तो मान लो आपके पास कोई रेशनल नंबर है तो आपको पता है कि वो पी बाई क्यू की फॉर्म में होगा। ठीक है, तो किसी भी नंबर को आपको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखना है तो क्या करना होगा इसके लिए आपको? मान लो 0.345 दिया है हमें, तो हम इसे पी बाई क्यू की फॉर्म में किस तरह से लिखेंगे? अरे भाई इसी तरह से तो लिखेंगे, ये डेसिमल हट जाएगा, ये हटा, नीचे 3 जीरोज आ गए, यही करोगे ना? तो आप इसे 3/4 upon 10^3 भी लिख सकते हो, लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो। इसी तरह से एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, 0.4127। ओके, इसे पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखना है तो क्या करोगे? 4127/40 आ जाएंगे नीचे। इसे 10^10 में लिखोगे तो 4127/10^4। ओके क्लियर यहाँ तक? कोई डाउट नहीं किसी तरह का? फटाक से इसे नोट कर लो, फिर हम आगे बात करते हैं। देखो यहाँ तक बेटा सॉल्व होने के बाद एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, 4.729463। तो इसे जब आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 4729463। डेसिमल के बाद कितने डिजिट है? 6, तो 1 2 3 4 5 6। ओके, तो फाइनली ये क्या मिला आपको? 4729463। ओके, इसे लिख दिया आपने 10^6। यहाँ तक क्लियर सारी चीजें? कोई प्रॉब्लम नहीं किसी तरह की? तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि हमें अगर कोई डेसिमल एक्सपेंशन दिया है और उसे हमें रेशनल नंबर बनाना है तो हम इस तरह से बनाएंगे। लेकिन इसके लिए भी कुछ अलग कंडीशंस होती है, कुछ अलग थ्योरम्स होती है, जिसके बारे में हमें डिस्कशन करना है और हम नेक्स्ट क्वेश्चन में कर रहे हैं। चलो जैसे कि इसके कुछ रिजल्ट्स देख लेते हैं हम। इस तरह से मानो आप इसके कुछ आपके पास रिजल्ट्स, आपको इसके रिजल्ट्स फाइंड करने के लिए यहां पर क्या दिया हुआ, लेट एक्स बी ए रेशनल नंबर। एक्स जो है वो क्या है आपका, यहां पर ध्यान रखो पहले तो, x पर और रेशनल नंबर पर। x है आपका रेशनल नंबर whose decimal expansion, जिसके decimal expansions कैसे रहेंगे बेटा? टर्मिनेट्स रहेंगे। ठीक है, देन x कैन बी एक्सप्रेस, जब आप x को एक्सप्रेस करोगे किसमें? p by q की फॉर्म में, है ना? वेयर p एंड q आर को प्राइम, मतलब p और q क्या है यहां पर? इंटीजर से और क्या है, एक तरह से को प्राइम है, हम ये कह सकते हैं। ओके, थोड़ा बोर्ड हमारा प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा आज, इसलिए कोई बात नहीं, ध्यान नहीं देना है, फटाफट से हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो q इज ऑफ द फॉर्म ऑफ, तो q किस फॉर्म में मिलेगा हमें? इस फॉर्म में मिलेगा। ओके, जहां पर m और n क्या होंगे? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होंगे। अब मैं आपको क्लियर यहां पर बता देता हूं। देखो आपके पास कोई रेशनल नंबर है, ठीक है, उस रेशनल नंबर को क्या करोगे आप? पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखोगे। ओके, ये हो गया आपका न्यूमरेटर, ये हो गया आपका डिनोमिनेटर, यहाँ तक आपके सब कुछ क्लियर है। जब आप पी बाई क्यू को आगे सॉल्व करोगे तो इस क्यू के लिए क्या कंडीशन रहेगी? इस क्यू को आपको 2^m × 5^n की फॉर्म में लिखना है। ओके, फटाक से देख लो, अब हम इसे सॉल्व करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट इसके केसेस पर जाने वाले हैं। तो इसके लिए हमारे पास जो बेटा केसेस मिलेंगे ना, वो 3 टाइप्स के केसेस मिलेंगे। कैसे केसेस मिलेंगे बेटा हमें? 3 टाइप्स के। चले तीनों केसेस की हम बात कर लेते हैं। चलो केस वन, केस फर्स्ट देखो। सबसे पहले जब m इक्वल होगा n के, क्या होगा? m इक्वल होगा n के। क्लियर? जब ये दोनों पावर्स कैसी होगी? इक्वल होगी। जब ये पावर्स आपस में इक्वल होगी तो हम सीधा सा कह सकते हैं कि
ए अपॉन बी इक्वल किस तरह से लिखेंगे इसे हम, ए अपॉन टू की पावर एन इंटू टू की पावर सॉरी फाइव की पावर एन, ओके क्लियर। तो ए अपॉन बी, बी तो ये रहा आपका टू की पावर एम। अब देखो हमने क्या बोला यहाँ पर, एन किसके इक्वल है, एम के इक्वल है, तो इस एन की जगह हम एम लिख सकते हैं ना, तो ये हो जाएगा फाइव की पावर एम। तो बेटा यहाँ पर जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, टेन द पावर एम। ये था आपका केस फर्स्ट, इतना सा ठीक है। अब हमारे लिए मेनली है केस सेकंड, क्योंकि सारा गेम यहीं से शुरू होता है। केस सेकंड में क्या है, एम ग्रेटर देन एन से, मतलब कि एम की वैल्यू इससे बड़ी हो। तो एम की वैल्यू बड़ी होगी कब होगी, जब एम क्या होगा, एन प्लस पी होगा। क्लियर है, आइए बात समझ में, ओके। मतलब कि यहां पर आप इसे क्या लिख सकते हो, एक मिनट इसे नोट करो बेटा जल्दी से, फटाफट नोट करो इसे, तब तक मैं पानी पी लेता हूं, फटाफट नोट करो। चलो हमने क्या बोला, m ग्रेटर देन होगा किससे, n से। कब होगा, जब एम की वैल्यू क्या होगी, एन प्लस पी होगी। ठीक है क्लियर, कोई डाउट नहीं यहां पर। अब देखो बिल्कुल ध्यान से, वही ए अपॉन बी की जगह टू की पावर एम इंटू फाइव की पावर एन, ओके। चलो सॉल्व करो इसे आगे, इसे ए का ये रहने दो, टू की पावर एम, अब टू की पावर एम ठीक है। अब यहां पर क्या है बेटा, हम इसे इस तरह से लिख दें, टू की पावर एम, या तो हम एक काम करते हैं इसे टू की पावर एम ना लिख के, हमने क्या बोला है यहां पर हमने क्या बोला है, इसे एन प्लस पी ठीक है, एन प्लस पी लिख देते हैं, या तो फर्स्ट चीज तो ये है क्लियर। और सेकंड क्या हो सकती है हमारे पास, सेकंड ये हो सकती है कि अगर हम इस एन की जगह एम प्लस पी लिख देते हैं ठीक है, तो हमारे पास कंडीशंस दूसरी हो जाएगी। जैसे कि आपको काफी अच्छे से पता है, अगर हमारे पास ए की पावर टू है और ए की पावर फाइव है, क्लियर है। तो आपने एक्सपोनेंट्स के बारे में काफ़ी अच्छे से स्टडी किया है। एक्सपोनेंट्स में क्या होता था कि जब हमारे पास बेस सेम होता है तो पावर्स क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, मतलब कि ये हो जाएगी ए की पावर सेवन। तो उसी तरह से हम क्या चाह रहे हैं, इसको सॉल्व करना चाह रहे हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा बेटा, इसको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये है हमारे पास टू की पावर एम ठीक है। अगर हम ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, किससे मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, ऊपर हम ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं फाइव की पावर पी से, किससे मल्टीप्लाई करें, फाइव की पावर पी से। तो नीचे भी आप मल्टीप्लाई कर दो फाइव की पावर पी से, और ये फाइव की पावर एन, ओके क्लियर, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फाइनली बेटा आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, ए इंटू फाइव की पावर पी अपॉन टू एम। अभी मैंने आपको बताया कि जब बेस इक्वल हो तो क्या होगी, पावर्स एड होगी, मतलब कि फाइव की पावर पी प्लस एम, यही होगा पी प्लस एन। तो एन प्लस पी हो या पी प्लस एन हो, एक ही बात है ना, इसे हम एम लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो फाइनली हमें क्या मिलेगा, ए इंटू फाइव की पावर पी अपॉन टू इंटू टू की पावर एम, और इसे हमने क्या किया, फाइव की पावर एम लिख दिया। क्यों, क्योंकि एम इक्वल क्या बोला है हमने, एन प्लस पी बोला है, तो एन प्लस पी को एम लिख दिया यहां पर, ओके। तो फाइनली यहां पर आप ए इंटू फाइव की पावर पी को सपोज करो कि ये सी के इक्वल है, किसके इक्वल है बेटा, सी के इक्वल है। तो जब ये सी के इक्वल है तो यहां मिलेगा आपको सिक्स अपॉन टेन द पावर एम, ओके। ये कंडीशन हमें फाइंड करना था, क्लियर। तो केस सेकंड में हमें मिला ये। अब हम बात करते हैं केस थर्ड। केस थर्ड में क्या होगा बेटा, कि एम की जो वैल्यू है छोटी है किससे, एन से। जब एम की वैल्यू एन से छोटी है तो ये क्या होगा, एम प्लस पी होगा, एन इक्वल क्या होगा, एम प्लस पी होगा ना, ओके। तो वही ए बी के लिए आपको क्या होगा, टू की पावर एम इंटू फाइव की पावर एन, क्लियर। अब देखो अगर मैं ऊपर और नीचे, ऊपर मल्टीप्लाई कर देता हूं टू की पावर, किससे मल्टीप्लाई करूं, पी से कर देता हूं, और नीचे मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ किससे, टू की पावर पी से, ये एज इट इज टू की पावर एम एज इट इज, और टू की पावर एन एज इट इज, क्लियर। यहां तक किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं,
फाइनली आप यहां क्या देखोगे, ए इंटू टू की पावर पी। अब देखो यहां पर भी बेस सेम है, जब बेस सेम हो तो क्या होगी, पावर्स ऐड होगी, तो ये क्या हो जाएगी, पी प्लस एम। पी प्लस एम बोलो या एम प्लस पी बोलो, एक ही बात है। ओके, इंटू टू की पावर एन। ओके यहां तक क्लियर? सॉरी, ये होगा हमारा फाइव, टू नहीं होगा, ये फाइव होगा, क्योंकि यहाँ फाइव है ना, तो फाइव होगा। ओके, तो फाइनली यहां मिलेगा हमें ए इंटू टू की पावर पी। अब देखो ये क्या हो गया, टू की पावर एन प्लस पी लिख दिया इसको हमने। ओके, इंटू फाइव की पावर एन, तो ए इंटू टू की पावर पी अपॉन एन प्लस पी, एन प्लस एम है यहाँ एम। ओके, ये भी एम था, ये एम, तो एम प्लस पी को क्या लिख रहे हो बेटा आप, एम प्लस पी को लिख रहे हो आप एन। जब आप इसे एन लिख रहे हो तो ये हो जाएगा आपके पास टू की पावर एन इंटू फाइव की पावर एन, तो फाइनली ए इंटू टू की पावर पी अपॉन टेन द पावर एन। ओके, अब वापस से इस ए इंटू टू की पावर पी को मान लो डी, क्या मान रहे हो आप इसे, डी मान रहे हो, तो ये हो जाएगा आपका डी अपॉन टेन द पावर एन। इस तरह से हम इन्हें सॉल्व करेंगे। ओके, चलो मैं फर्स्ट पर ले चलता हूं आपको। सबसे पहले यहां हमने क्या किया, दोनों को इक्वल कर दिया, फर्स्ट केस में हमने दोनों को इक्वल किया। ठीक है, जब हमने इक्वल किया तो यहां पर क्या देखा कि पावर्स जब इक्वल हो जाएगी तो सीधा टेन द पावर एम मिला। फिर यहां हमने क्या किया कि m बड़ा है n से, तो m कब बड़ा होगा, जब n के साथ में कोई ना कोई नंबर ऐड होगा, अगर ऐड नहीं करेंगे तो दोनों इक्वल होंगे, तो हमें कंडीशन क्या मिली, ये वाली मिली। फिर हमारे पास केस थर्ड आया, तो केस थर्ड में हमारे पास था कि n जो है ना वो बड़ा होगा किससे, m से। जब n m से बड़ा होगा तो हमने क्या देखा कि फाइनली हमने n कब बड़ा होगा, जब m के साथ में कोई नंबर ऐड होगा, तो m के साथ में हमने क्या किया, p को ऐड किया। p को ऐड करने पर हमने एज इट इज जो हमारी प्रोसेस थी, टू को ऊपर, टू पी को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। क्यों, क्योंकि बेस सेम हो जाए, बेस सेम हो जाएगा तो पावर ऐड हो जाएगी, और पावर से ऐड होते ही इस पूरे को हम ये लिख देंगे। ओके, फटाक से इसे नोट करो, फिर हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, फटाफट बिना देर किए हुए फटाफट चले आगे। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारे पास है लेट पी बाई क्यू, पी अपॉन क्यू, बी ए रेशनल नंबर, कोई हमारे पास रेशनल नंबर है। ठीक है, नंबर सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू, तो क्यू जब हम इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो क्यू इज नॉट द फॉर्म ऑफ टू एम की पावर एम इंटू फाइव की पावर एन, तो क्यू हमें इस फॉर्म में नहीं मिलेगा। वेयर एम एन एन आपको पता है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है, और एक्स इज ए डेसिमल एक्सपेंशन विच इज नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। तो एक्स की आपको डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करनी है, जो कि कैसी होनी चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग तो हो और रिपीटिंग हो। ओके, इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। क्या एग्जाम्पल लें बेटा, वन अपॉन सेवन लेते हैं। ओके, चलो वन अपॉन सेवन को सॉल्व करते हैं, वन में डिवाइड करो आप सेवन का। ठीक है, तो आपको यहाँ तो मिलेगा जीरो, ये लग गया आपका डेसिमल। क्यों, डेसिमल क्यों लगेगा, अगर डेसिमल नहीं लगाओगे तो डिवाइड होगा ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, वन जा सेवन थ्री। ठीक है, फिर जीरो फोर 28, फिर टू जीरो 14, सिक्स बचा, फिर जीरो 8 दा 56, माइनस किया, क्या बचा यहाँ पर आपके पास, फोर बचा 40, फिर फाइव दा 35, क्या मिला आपको यहाँ पर, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, फाइव मिला। ठीक है, तो ये 50 बन गया, क्लियर। फिर सेवन दा 49, मतलब कि यहां आपको मिला वापस से वन। तो आपने क्या देखा कि वन मिलते ही तो वापस से ये रिपीट होगा। ओके, तो वन अपॉन सेवन को जब हमने सॉल्व किया तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या मिला हमें, 0.14285728572857, 2857, ये हमें कंटिन्यू मिलता जाएगा। ओके, फटाक से इसे नोट करो, फिर हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, फटाफट बेटा बिना देर किए हुए जल्दी करो, फटाफट चले आगे हम। चलो और एग्जांपल्स लेते हैं, और एग्जांपल्स लेने के लिए हम क्या करें, यहाँ पर मान लो हमारे पास कोई और अदर एग्जांपल हो। ठीक है, जैसे कि हम वन में डिवाइड कर देते हैं सिक्स का, तो भी हमें क्या मिलेगा, इसी तरह हो सकता है कि वैल्यू रिपीट मिले। ठीक है, इसी तरह से और कोई किसी में किसी नंबर का डिवाइड करते हैं तो और कोई नंबर, फटाफट से सोचो कोई नंबर आपको याद आ रहा है क्या ऐसा, फटाफट बिना देर किए हुए सोचो जल्दी से जल्दी, कोई ऐसा नंबर याद आ रहा है क्या जिसमें हम अगर किसी नंबर का डिवाइड करते हैं तो हमें वही वैल्यू मिल जाए रिपीटेशन वाली। मान लो एक एग्जांपल लेते हैं हम अपन, फाइव अपॉन थ्री,
ठीक है, अब इस 5/3 को सॉल्व करते हैं। चलो भाई डिवाइड करो, 5 में किसका डिवाइड करोगे, 3 का, तो 3 1 3 2 बज गया, 0 आ गया, क्योंकि यहाँ डेसिमल आएगा, सीधी सी बात है डेसिमल लगाओगे क्योंकि 3 से तो छोटा है 2। 3 6 18, फिर 2 आया तो 0, 3 6 18, फिर 2 आया 0 6 18, फिर आपने देखा 2 मिला, फिर 0 6 18, फाइनली आपके पास क्या मिलता जा रहा है, 2 मिलता जा रहा है। तो आप जब 5/3 को सॉल्व करोगे बेटा तो आपको 1.6666 ये क्या होगा, कंटिन्यू आगे मिलता जाएगा। तो हमारे पास जो ये थ्योरम है, जो रिजल्ट है, ये यही तो बोलना चाह रहा है कि किसी भी अगर आप रेशनल नंबर का पी बाई क्यू की फॉर्म में जो है, और जहाँ पर क्यू को आप इस फॉर्म में नहीं लिख सकते हो, ठीक है, तो आप उसका डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करोगे तो वो कैसा मिलना चाहिए आपको, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग मिलना चाहिए। तो हमने देखा यहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है, यहाँ पर हमने देखा नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है। इसी तरह से आप 22/7 को सॉल्व करोगे तो भी आपको ये का ये नंबर मिलेगा। काफ़ी सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, और भी हम काफ़ी सारे ऐसे एग्जाम्पल्स लेते जाएं। मान लो 17/6 को आप सॉल्व करो तो भी आपको जो नंबर मिलेगा वो कैसा रहेगा, आपका नॉन टर्मिनेटिंग होगा और रिपीटिंग होगा, ठीक है। यहाँ पर भी हमें ऐसा ही मिल सकता है, 2.8333 समथिंग ऐसा कुछ रिजल्ट हमें मिलता जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमें इसके लिए परेशान नहीं होना चाहिए, सिर्फ हमें ये ध्यान रखना है कि हमें क्यू को इस फॉर्म में नहीं लिखना है और डेसिमल एक्सपेंशन हमें ये वाला मिले, रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, चलो हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारे पास प्रूव करना है। हमें क्या प्रूव करना है बेटा, कि प्रूव दैट 5 √3 इज ए रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर आएगा, ये गलती हो गई, इरेशनल आएगा, ठीक है। 5 √3 जो है वो कैसा, सॉरी हाँ ये तो रेशनल ही आएगा क्योंकि हम रेशनलिटी के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं ना, तो बिल्कुल चलो बिल्कुल बिल्कुल, पर स्पेलिंग गलत है रेशनल की, ठीक है, ओके, रेशनल की स्पेलिंग चेंज कर लेना। देखो 5 √3 आपके पास क्या है, रेशनल नंबर है, बिल्कुल प्रूव कर देते हैं। लेट 5 √3 इज ए रेशनल नंबर, जब ये रेशनल नंबर है, ठीक है, तो हम सीधा सीधा सा क्या कह सकते हैं बेटा, इसके कोई ना कोई फ्रैक्शंस फॉर्म तो होगी, सही भाई, कोप्राइम नंबर तो जरूर होंगे, तो ये हो जाएंगे आपके 5 √3 इक्वल ए अपॉन बी, क्लियर, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं किसी तरह की। अगर हम इस √3 को ट्रांसफर कर देते हैं उधर और इस ए अपॉन बी को ले आते हैं इधर, तो यहाँ मिलेगा हमें 5 − a/b इक्वल √3। तो बेटा इसका एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम लोगे तो आपके पास बी एलसीएम आएगा, तो 5b − ab इक्वल √3, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या मिला बेटा, 5b − a/b, ये तो क्या है, सीधा सीधा आपको नजर आ रहा है रेशनल नंबर है, ये तो क्या है हमारा रेशनल नंबर है, लेकिन √3 जो है वो √3 तो क्या है हमारा यहाँ पर इरेशनल नंबर है, हमको पता है, ठीक है, ओके। तो आपको पता चल गया कि ये वाला जो पार्ट है ये तो कैसा हमारा रेशनल है और ये कैसा हमारा इरेशनल है। फटाफट से इसे नोट करो फटाफट, फिर आगे चलते हैं हम बिना देर किए हुए, हो गया चले। तो हम यहाँ अगर एक चीज़ कह सकते हैं कि अगर हम इसके इक्वल माने, मतलब कि इसके इक्वल इसे माने, तो √3 भी क्या होगा हमारा यहाँ पर रेशनल नंबर होगा, क्लियर। लेकिन हमें पता है कि √3 तो क्या है, इरेशनल नंबर है। सिर्फ मैंने यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट बताया है कि अगर आप इसके इक्वल मानोगे इसे, तो आप कह सकते हो कि हाँ ये हमारा रेशनल नंबर है, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, √2 + √5, इसे प्रूव करना है आपको इरेशनल। तो इरेशनल प्रूव करने के लिए क्या करोगे, लेट एज्यूम √2 + √5 इज ए इरेशनल नंबर, सॉरी रेशनल नंबर लेंगे, इसे इरेशनल थोड़ी लेंगे, क्या ये आपका रेशनल नंबर, क्योंकि कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज करना है ना हमें, ओके। तो यहां पर बेटा आपके पास जो सीधा सीधा आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा, इसके कोप्राइम फैक्टर्स भी होंगे, देन देयर कोप्राइम ए एंड बी, ए और बी क्या होंगे इसके
प्राइम होंगे, ठीक है। तो जब इसके ए और बी को प्राइम होंगे तो फिर तो काफी इजी बन गया हमारे लिए। क्यों? क्योंकि देखो रूट टू प्लस रूट फाइव इक्वल क्या लिखोगे, ए अपॉन बी के, भाई रेशनल नंबर माना आपने। ओके क्लियर यहाँ तक, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो अब हम आगे देख लेते हैं। तो बेटा यहाँ पर अगर हम इस रूट टू को उधर ट्रांसफर कर देते हैं या फिर इसे हम इधर ले आते हैं, ठीक है, तो जैसा भी आप उचित समझे वैसा कर लीजिए, यही मिलेगा हमें, इसको हमने उधर फेंक दिया। ओके अब यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर है, तो क्या करें हम स्क्वायर कैंसिल करने के लिए, बोथ साइड स्क्वायर, बोथ साइड हम स्क्वायर कर दें, तो बोथ साइड स्क्वायर करते हैं तब हम, तो क्या देखते हैं रूट फाइव का स्क्वायर इक्वल ए अपॉन बी माइनस रूट टू का स्क्वायर। ओके तो बेटा यहाँ तो बन रहा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब ए माइनस बी का होल स्क्वायर तो आपको पता है काफ़ी अच्छे से, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये तो होता है। ओके तो चलो कर दो, ये क्या हो जाएगा आपका सीधा सा यहाँ पर रूट फाइव का, तो ये फाइव हो गया, यहां पर तो क्या मिला आपको फाइव, इक्वल ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी, टू ए और बी, ठीक है। तो ये अपॉन में बी तो अपॉन में आएगा, पहले इस बी को सेट कर देते हैं फिर आगे देखते हैं, ए अपॉन बी, टू ए बी हो गया, सॉरी टू ए हुआ और बी, बी के लिए आ गया आपके पास रूट टू, फिर बी स्क्वायर, तो प्लस बी स्क्वायर होता है तो ये प्लस के टू आ जाएंगे सीधा सा। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। अब देखिए फाइव इक्वल ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ठीक है। अगर हम इस टू को इधर ट्रांसफर कर देते हैं तो इसे इस तरह से लिख सकते हैं, हम इस टू को जब हम इधर ट्रांसफर करते हैं तो फाइनली इसे हम फाइव माइनस टू इक्वल ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस टू ए बी रूट टू लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या बचा आपके पास, थ्री इक्वल ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस टू ए बी रूट टू। फटाफट से यहाँ तक नोट करो, फिर हम इसके आगे सॉल्व करते हैं, फटाफट जल्दी से बेटा नोट करो यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना यहाँ तक, तो क्लियर है सारी चीज़ें। ओके चलें आगे, अगर प्रॉब्लम हो तो बता दो मुझे फटाफट से, कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। चलिए नहीं है तो अब हम एक काम करते हैं, क्या काम करें इसे मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ मैं अपनी लास्ट स्टेप लिख देता हूँ ऊपर ताकि हमें सॉल्व करने में प्रॉब्लम ना हो, ये लीजिए, ठीक है। चलो इधर ही सॉल्व कर देते हैं, कोई बात नहीं छोड़िए, नहीं रफ करते हैं ताकि सामने रहेगा पूरा। अब आप एक काम करो, इस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपन बी स्क्वायर है ना, इसके साथ में तो थ्री को ले लो और इस पूरे को उधर भेज दो, तो ये हो जाएगा आपके पास टू ए बी रूट टू इक्वल क्या हो जाएगा बेटा, ये ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस थ्री। ओके हमने क्या किया, इस पूरे को तो इधर भेज दिया और इस थ्री को उधर ले लिया, तो फाइनली यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा, यहाँ हमें मिलता है एलसीएम इनका, तो टू ए बी रूट टू इक्वल इसका एलसीएम आएगा बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस थ्री बी स्क्वायर। ओके क्लियर, अब अगर आप इस टू को अपॉन में भेज देते हो तो ए अपॉन बी रूट टू इक्वल क्या हो जाएगा आपका, ए स्क्वायर माइनस थ्री बी स्क्वायर अपॉन टू बी स्क्वायर। फटाफट से यहाँ तक नोट करो, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ, फटाफट बिना देर किए जल्दी से नोट करो बेटा। चले आगे, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मिस्टेक तो नहीं हुई हमसे, देख लेते हैं एक बार।
फटाफट से एक बार चेक कर लेते हैं ताकि हमसे कोई मिस्टेक तो ना हो। ये सही है, ठीक है। टू रूट टू ए बी, ये अपॉन में चला गया फाइनली। तो यहाँ क्या मिला हमें, अगर हम इसे भी उधर भेज देते हैं भाई, ये रूट टू है, ये तो यहीं रहेगा। तो फाइनली यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, ये जो आपको मिल रहा है, ठीक है, ये तो कैसा मिल रहा है, इरेशनल नंबर मिल रहा है। जबकि रूट टू जो होता है आपका, वो रूट टू तो क्या होता है, इरेशनल होता है, ठीक है। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि इसके जो को प्राइम फैक्टर्स है, को प्राइम फैक्टर्स मीन जो हमने ए और बी माने हैं, यहाँ तो हमें कुछ और मिल रहे हैं और यहाँ हमारे जो को प्राइम फैक्टर है वो तो ए और बी है। तो हमारा एजम्पशन जो है वो कैसा हो गया यहाँ पर, रॉन्ग हो गया। ओके, आपको अगर किसी भी तरह का कोई डाउट है तो फटाफट से एक बार देख लीजिए, ताकि कोई प्रॉब्लम हम हो तो यहीं सॉल्व कर लें, इससे फिर आगे कंटिन्यू ना करें। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि नहीं, यहाँ से हमारे पास कुछ और सॉल्यूशंस भी मिल सकता है, तो हम उसे भी चाहें तो कंटिन्यू कर सकते हैं। कैसे, देखो इसे रफ कर देते हैं हम। आपके माइंड में वैसा डाउट आ रहा होगा, श्योर है कि ये तो रेशनल है, ये भी तो रेशनल ही है, लेकिन देखो इस बी की पावर 1 से ये तो 2 कैंसिल हो गया। तो फाइनली यहाँ क्या मिलेगा हमें, रूट टू इक्वल ए स्क्वायर माइनस 3 बी स्क्वायर अपॉन 2 ab, ठीक है। ये ए कहाँ चला गया, अपॉन में चला गया। तो बेटा हमने जो इसके को प्राइम फैक्टर माने वो तो माने थे ए और बी, और यहाँ तो हमें फाइनली क्या मिला, ये तो रेशनल नंबर मिल रहा है, लेकिन ये कैसा है, इरेशनल नंबर है। तो हमारा जो अजम्पशन था वो कैसा हो गया, रॉन्ग हो गया। आवर अजम्पशन वॉज इनकरेक्ट, हमारा अजम्पशन कैसा है, इनकरेक्ट है। तो हम क्या कहेंगे कि ये क्या है, रेशनल नंबर है। ओके, क्लियर है, इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। हमने कुछ नहीं किया, इसको फ्रैक्शन फॉर्म के इक्वल कर दिया, मतलब रेशनल नंबर के इक्वल, बोथ साइड स्क्वायर किया। बोथ साइड स्क्वायर करने पर फाइनली हमने क्या देखा, यहाँ पर हमें ये कंडीशन मिली जिसमें रूट टू तो क्या है, इरेशनल नंबर है, और ये वाला पार्ट तो रेशनल नंबर है। क्लियर है, तो रूट टू के हमें देखना है। तो फाइनली ये पूरा ही क्या होगा, आपका इरेशनल नंबर होगा। ओके, चलिए अब इसके आगे के क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क है। जैसे कि ये क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है, एन को आपको रेशनल, मतलब ये पूरे को आपको रेशनल नंबर प्रूव करना है। ओके, चलिए और भी क्वेश्चन मैं बता देता हूँ आपको। ये वाला क्वेश्चन है, जैसा हमारे पास इस डेसिमल एक्सपेंशन को हमको सॉल्व करना है इस फॉर्म में, ठीक है, और एक्चुअल वैल्यू बतानी है हमें, क्लियर। फिर इसको कैलकुलेट करना है, 3/8 को किस में करोगे, डेसिमल फॉर्म में करोगे। साथ में इसे हमने द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जो दिया हुआ है 6/100, 1280, इसका आपको टर्मिनेट आफ्टर हाउ मेनी प्लेस, मतलब कि जब इसे सॉल्व करोगे आप तो कितने नंबर्स के बाद में, कितने प्लेस के बाद में आपको डेसिमल मिलेगा। क्लियर है, तो ये सारा चीज़ें आपको सॉल्व करनी है। क्लियर है, चलिए फटाक से इसे नोट कीजिए और इन्हें सॉल्व करना है क्वेश्चन को। और अगर आपसे नहीं होंगे, इनमें कोई प्रॉब्लम आएगी, तो हम इन क्वेश्चंस को नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। ओके, क्लियर है, तो फटाक से बेटा आपने अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया, ये एक क्वेश्चन और है, तो फटाफट से ये सारे होमवर्क है आपके, नोट कर लीजिए। आपको अगर किसी भी तरह का कोई डाउट है तो क्या करोगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे। साथ में वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना। क्यों, क्योंकि हमारे आने वाले जो वीडियोज है आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे, उसकी टाइम टू टाइम आपको अपडेट मिलती रहेगी। और आपको होमवर्क सबमिशन गूगल प्ले स्टोर पर, गूगल क्लासरूम पर सबमिट कराना है, ठीक है, वहां पर आपको होमवर्क भी दिया हुआ है। क्लियर है, तो वहां पर आप एक्सरसाइज 1, 2 के और 3 के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो। हमने इतना सारा स्टडी किया हुआ है अभी तक कि हम अब लगभग लगभग पूरा क्वेश्चंस पेपर सॉल्व कर सकते हैं, जो भी हमारे जो आंसर शीट्स है और सॉल्यूशंस है उन सब में हम अभी डिफरेंस पता कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, बाय।